स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के टेंपल। अभी बजे हैं सुबह के 6। अभी हम हैं बिलासपुर में। तो बिलासपुर से शाहतलाई का डिस्टेंस है करीबन 30 किलोमीटर। तो बने रहिए ब्लॉग में, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर आगे चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम आए हैं शाहतलाई में, आपको दिखाते हैं बाबा बालकनाथ जी का मंदिर कैसा है। तो ब्लॉग में बने रहिए, मंदिर का पूरा व्यू दिखाएंगे आपको। बाबा सरोवर माने। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ गए हैं बाबा जी के मंदिर। तो ये सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पे मांगी जाती है मन्नत, यहाँ पे धागा बांधा जाता है और कोई भी मन्नत मांगी जाती है, बाबा जी हर किसी की मन्नतें पूरी करते हैं। देख सकते हैं आप कितने धागे बांधे हुए हैं लोगों ने, सारी मन्नतें पूरी हों। तो आगे चलते हैं, ये सामने देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, मूर्तियों पे प्रसाद ना लगाएं, साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है बाबा जी का धूना स्थल, जहाँ की मान्यता ये है कि ये धूना हमेशा ही जलता रहता है। तो आगे चलते हैं, अभी देख सकते हैं सामने पंडित जी दे रहे हैं प्रसाद के रूप में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ गए हैं शाहतलाई मंदिर में। ये देख सकते हैं आप सामने है शाहतलाई मंदिर। तो शाहतलाई मंदिर शाहतलाई बस स्टैंड से करीबन 300 मीटर की दूरी पे है। शाहतलाई को बाबा जी की तपोभूमि भी कहा जाता है, यहीं पे बाबा जी ने 12 साल अपनी तपस्या करी थी।
तो शाहतलाई को का पुराना नाम था चंद्र तलाई, जिसे अब शाहतलाई कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप कभी विज़िट करें तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आएँ यहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। जब परिवार के सभी सदस्य आएंगे तो आपकी ज़रूर मन्नत पूरी होगी। अभी चलते हैं आगे की तरफ। देख सकते हो बहुत ही प्यारा मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का। तो ये मंदिर जो है पूरा वट वृक्ष के नीचे बना हुआ था। ये देख सकते हैं आप, सामने है बाबा जी का अखंड धूना जो हमेशा ही जलता रहता है। यहीं पे बाबा जी ने तपस्या करी थी। तो अभी आगे चलते हैं। देख सकते हैं आप, ये सारा वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे ही बना हुआ है ये प्यारा सा मंदिर। तो बाबा बालकनाथ जी ने 12 साल माता रत्नों की गाय वगैरह चराई थी। तो माता रत्नों गाय चराने के बदले बाबा बालकनाथ जी को मक्की की रोटियां और शाख दिया करते थे। पर लेकिन जब बाबा बालकनाथ जी के जाने का टाइम हुआ तो रत्नों माता ने उन्हें ताना मारा था। तो बाबा जी ने अपना चमटा मार के एक जगह मक्की की रोटियां और एक जगह शाश का तालाब बना दिया था। तो उसी वजह से इस जगह को शाहतलाई भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप, अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। देख सकते हो बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये देख सकते हो वो तना ये बनाया हुआ है रोटियां, यहाँ पे बाबा जी ने चमटा मारा था और इसमें से रोटियां निकली हुई थी मक्की की रोटियां। देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा मंदिर है। चलिए फिर, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहीं पे है शाश का तालाब भी अंदर, ये लस्सी वाला स्थान ही सामने देख पा रहे हो आप। यहीं पे कहते हैं कि बाबा जी का चमटा अभी भी यहीं पे है। देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो हम आए हैं अभी बाबा बालकनाथ। तो हम आपको ये ताना नजारा दिखाएंगे। ये देखिए ये मंदिर है, ये बाबा बालकनाथ का मंदिर है। और ये हमारी पूरी पूरी फैमिली है। हमारे नए वीडियो का नाम है बाबा बालकनाथ। हम आए हैं आज बाबा बालकनाथ। तो हमारे नए वीडियो देख, हमारे नए वीडियो जरूर देखें और उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।